बस्तर जिले में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में बस्तर पुलिस को अवैध शराब का परिवहन करने पर कार्रवाई करने में सफलता मिली है। बस्तर पुलिस को सूचना मिली कि किसी व्यक्ति द्वारा कार से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना पर करपावंड थाना प्रभारी शिव शंकर हुर्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम गारिंगा में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच आरंभ की। इस दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट कार को चेक कर उसमें रखे 299 नग गोवा अंग्रेजी शराब और कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई शराब की कीमत 21,000 रुपए बताई गई है। मामले की जानकारी नगर पुलिस अधीक्षक एम सागर सिदार ने कुछ इस तरह से दी। मामला थाना करपावंड क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से शराब की तस्करी करपावंड क्षेत्र में किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी करपावंड शिव शंकर हुर्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा ग्राम गारेंगा में चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग के एक संदिग्ध वाहन CG07M9384 को जो है रोका गया, जिसकी तरह से लेने पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम दिनेश बुनकर निवासी कोंडा गांव क्षेत्र का होना बताया गया, जिसके वाहन की तलाशी लेने पर उक्त वाहन में 299 पौवा गोवा विस्की शराब जो है बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इसके द्वारा कोई वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में आरोपी दिनेश बुनकर के कब्जे से 299 पौवा गोवा विस्की जो है बरामद कर जब्त किया गया है, और जिसकी जो मात्रा है 53 लीटर कुल है, और जिसकी अनुमानित कीमत 31,000 रुपये से अधिक है। और मामले में आरोपी के कब्जे से 299 पौवा गोवा विस्की शराब, साथ में 2 मोबाइल, 1 स्विफ्ट कार और आवश्यक दस्तावेज जो है बरामद कर जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना करपावंड में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण वर्तमान में थाना करपावंड के अंतर्गत विवेचनाधीन।